साल 2022 सितंबर में ऋतिक रोशन की पिछली फिल्म आई थी विक्रम वेदा, जिसने बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया था, एवरेज मूवी रही थी क्योंकि यह एक साउथ की रीमेक मूवी थी। ऋतिक रोशन की मच अवेटेड मूवी फाइटर का टीजर आ चुका है। यह मूवी रिपब्लिक डे पर यानी कि 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को रिलीज होगी सिनेमाघरों में। इस मूवी में ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर लीड रोल में दिखेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, जिनकी इस साल ऑलरेडी दो फिल्में आ चुकी हैं, पठान और टाइगर थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा एंगेज किया है और अच्छी खासी कलेक्शन भी की है। सिद्धार्थ आनंद की बात करें तो उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ पहले भी दो फिल्में कर चुकी हैं, जिसमें बैंग बैंग और वॉर जैसी एक्शन मूवी हैं, और जिन्होंने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी कमाई भी की है और लोगों को बहुत ज़्यादा एंगेज भी किया हुआ है। तो ओवरऑल बात करें तो सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की बहुत अच्छी केमिस्ट्री ऑलरेडी पहले से ही है। इस मूवी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और इस मूवी का बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं। इस मूवी की अनाउंसमेंट 2020 के आसपास ही हो गई थी और बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद मूवी फाइनली 2024 में रिलीज होने वाली है। मूवी के अंदर ऋतिक रोशन का लुक उनकी रियल उम्र से बहुत ही कम लग रही है और बहुत ही जवान दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी का टीजर लगा कैसा। इस मूवी का टीजर आज 8 तारीख को रिलीज हो चुका है और मूवी एक थिएटर में बता चुका हूँ 25 तारीख को आएगी, 25 जनवरी को। 1.5 मिनट की इस टीजर में मोस्टली सारे सीन्स जो हैं वो हवा के अंदर ही दिखाए गए हैं इस मूवी के, और आपने नोटिस किया होगा कि इस टीजर में एक भी डायलॉग नहीं है। इसके जितने भी एक्शन सीन हैं एक बैकग्राउंड वंदे मातरम बैकग्राउंड म्यूजिक है उसी के अंदर सारे एक्शन सीन दिखाए गए हैं। इस मूवी में इस टीजर में एक भी डायलॉग अभी दिखाई नहीं गया है। मूवी रियल एक्शन मूवी है यानी इसमें जितने सारे एक्शन सीन्स हैं सारे रियल एक्शन सीन्स हैं। इसमें किसी प्रकार के CGI या VFX का उपयोग बहुत ही कम किया गया है, ना के बराबर किया गया है। टीजर देख के लग रहा है कि हाँ मूवी वाकई रियल फाइट सीन्स हैं, इसमें CGI या VFX का कहीं भी कोई भी थोड़ा बहुत पकड़ नहीं मिलता है। इस मूवी का टीजर देख के सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये लगती है कि मूवी हॉलीवुड मूवी टॉप गन का पूरा मुझे रीमेक सी लगती है। हालांकि अभी 1 मिनट का 1.5 मिनट का टीजर देख के ये कहना बिल्कुल गलत है कि टॉप गन की रीमेक या हिंदी रीमेक है, बट हाँ इसके जितने भी एक्शन सीन्स हैं या जेट वाले एक्शन सीन्स हैं सारे टॉप गन के लगते हैं। वैसे बता दूँ टॉप गन को हॉलीवुड के बेस्ट एक्टर टॉम क्रूज ने किया है, तो अगर उनके जैसा या वही मूवी अगर हम उनके जैसा भी बना लेते हैं तो बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। फाइटर मूवी की स्टोरी क्या रहने वाली है ये तो टीजर देख के बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि टीजर में एक भी डायलॉग आपको दिखने को मिलेंगे, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक है उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ सारे एक्शन सीन्स हैं। टीजर में मोस्टली सारे एक्शन सीन्स ही दिखाए गए हैं, इमोशन सीन्स भी नहीं दिखाए हैं। हाँ थोड़ा बहुत ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री दिखाई गई है, रोमांस वाली या लव बर्ड वाली केमिस्ट्री दिखाई गई है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पहली बार नज़र आ रहे हैं, बट इसमें हम लोग बहुत अच्छे शानदार कपल दिखाई दे रहे हैं। एक शो था करण जौहर का, एक शो था जिसमें दीपिका पादुकोण ने भी कहा था कि रियल लाइफ में मेरी सबसे अच्छी केमिस्ट्री आने वाली फिल्म ऋतिक रोशन के साथ दिखेगी। टीजर देख कहानी का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ यह देशभक्ति मूवी होने वाली है। इसके अंदर ऋतिक रोशन की पूरी टीम मिलकर एक मिशन पर जाएंगे। जब थल सेना से काम नहीं बनता तो वहाँ पर वायुसेना यानी कि ऋतिक रोशन एंड उनकी टीम जाएगी और मिशन कंप्लीट करके आएगी, युद्ध जीत के आएगी। इसी पर बेस्ट मुझे कहानी जहाँ तक मुझे देख के लगती है पूरी तरीके से। इस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री पहली बार दिखेगी, यानी वो पर्दे पर पहली बार साथ दिख रहे हैं। टीजर में उनकी एक दो रोमांस वाली सीन भी हैं, देख के वाकई अच्छे लगते भी हैं। मूवी के अंदर वो दोनों एक्शन करते नजर आए हैं, यानी कि इसमें ऋतिक रोशन के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी प्रॉपर एक्शन करती हुई दिखाई देती हैं फाइटर जैसे। इस मूवी के टीजर को देख के इस मूवी की स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसमें कुछ लोग हैं जो दिखते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और करण ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय। ओवरऑल इस मूवी की लागत 350 करोड़ तक बताई जा रही है, क्योंकि इसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जैसे बड़े नाम हैं। और सुनने में भी आया है कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने दोगुनी फीस चार्ज की है। ओवरऑल इस फिल्म के लिए रोशन के जितने भी फैंस या फिर जितने भी एक्शन देखने के शौकीन लोग उनका काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे और उनका इंतजार खत्म हो चुका है। यह मूवी 25 जनवरी को आने वाली है, यानी कि रिपब्लिक डे से पहले। और ये मूवी का टीजर देख के तो मुझे बहुत ही शानदार लगा, लेकिन हाँ इस मूवी का टीजर देख के आप बहुत ज़्यादा टॉप गन की याद आएगी या टॉप गन जैसे सिमिलरिटी दिखेगी, बट अभी कहना बहुत गलत होगा कि टॉप गन की रीमेक है या टॉप गन से कॉपी की गई है।
बट हाँ, इसके जो सीन्स हैं वो वाकई रियल लगते हैं, वीएफएक्स जैसा कुछ भी नहीं दिखता, सारे रियल लगते हैं। और मुझे इस मूवी का टीज़र बहुत ही प्यारा लगा और मैं ये मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।